लाइट साउंड रोल कैमरा एक्शन शुरू होता है एक कलाकार का परफॉर्मेंस। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी वीकली स्पेशल शो कलाकार के एक और ताजा तरीन एपिसोड के साथ हाजिर है शाहिद। यूसुफ खान को 1944 की ज्वारभाटा में लीड रोल दे दिया और बस यहां से शुरू हुआ यूसुफ खान से दिलीप कुमार का एक नया सफर, फिल्मी दुनिया का ऐसा सफर जो हमेशा के लिए लोगों के दिलों पर अमिट छाप छोड़कर यादगार हो गया। जैकलीन, खूबसूरत जैकलीन कहा जाए तो इसमें डराने का काम कर रही है? नहीं, कभी नहीं एक्चुअली। आई डोंट नॉट लाइक स्केयरिंग पीपल, इफ दैट्स व्हाट यू आर आस्किंग मी। थोड़ा स्केरी हूँ इन द मूवी। सुना है कि आप सिर्फ शाहरुख के साथ ही फिल्म करना चाहती हैं, डेब्यू करना चाहती हैं बॉलीवुड में। वेल, कौन नहीं करना चाहता शाहरुख के साथ काम, सो इट्स जस्ट अ ड्रीम। आई मीन आई जोक अबाउट इट। मैं सुपर गर्ल फ्रॉम चाइना। तो गुड सिनेमा की परिभाषा या उसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, खासतौर बच्चों के संदर्भ में? हाँ, बहुत ही ये एम्बिगुअस, बड़ा टेढ़ा सा मंजर है कि गुड सिनेमा क्या होता है। क्या ये एक नेगेटिव सा इम्पैक्ट है, ये सोशल नेटवर्किंग, यूट्यूब और दूसरी चीज़ें? मुझे लगता है हम और तुम जब बड़े हुए, आई थिंक, पता नहीं तुम्हारी उम्र कितनी है, मैं अब अपनी बात करता हूँ, मैं तो थोड़ा उम्र हो गई मेरी कि हम लोग मिलजुल कर बड़े हुए। जिंदगी की सच्चाई पर बेस्ड एक बड़ी मशहूर कहावत है कि अंधेरा कितना भी गहरा, खौफनाक और लंबा हो, पर एक चमकदार खूबसूरत रोशनी के साथ सुबह जरूर होगी, ये यकीन है। पर ऐसे सैकड़ों नवाजुद्दीन बरसों से भीड़ में खड़े होकर अपना अपना शॉट दे रहे हैं, इस उम्मीद पर कि कभी कोई अनुराग कश्यप उनके अंदर दम तोड़ रहे एक्टर को नई जिंदगी देगा और सिनेमा को एक नया टैलेंट। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। वाह, क्या बात। जब मैं यहाँ होता हूँ तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, इमिग्रेशन पे वो कहते हैं सही नहीं सुना दे और मैं कहूँगा कि ये फैसिलिटेट होना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, उससे होता है कि कुर्बतें पैदा होती हैं। तो बस आखिरी बार हम चाहेंगे कि गिटार पर आप सयोनी एक बार। You came back with a bang. Literally, yes, I am toting a gun in Ishq Forever. And what about your experience with Deepa Mehta's Water after a long time? Because Kasoor was a super hit film and you took a very long gap after that. Yeah, I decided I wanted to do some other things in my life. Water was just an amazing experience for me. I'm so grateful to have been a part of it. This film will be special and will do something new with its title. Going to go with the three of them, a very beautiful romantic track. दोनों के दोनों सिंगल, दोनों के दोनों पागल, ये इश्क बेवकूफी मिल के करे चल। जीना है तो जीना है, तो क्यों सोचे क्या होगा कल। दोनों के दोनों सिंगल, दोनों के दोनों सिंगल, दोनों के दोनों पागल, ये इश्क बेवकूफी। यामी, आपकी शुरुआत ही हुई थी एक हिट फिल्म के साथ और अब ये भी एक फिल्म बहुत जल्द रिलीज हो रही है, तो इससे क्या उम्मीदें हैं? बहुत ज़्यादा है और खास करके एक लव स्टोरी है और वैलेंटाइन से अच्छा बेहतर मौका हो ही नहीं सकता था। 13th ऑटो एक्सपो में हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा और यहाँ पर बस हमारी तैयारियाँ हैं इन सब खूबसूरत और बेहतरीन शानदार लग्जरी और एसयूवीज को देखने का, परखने का, उनको जानने का और आप तक उनकी बेहतरीन से बेहतरीन रिपोर्ट को पहुँचाने का। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। पावर की इसकी आप बात करें तो जब आप इसको सड़क पर दौड़ाएंगे तो आप इसका एक्सपीरियंस, मतलब लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इसको कहा जा सकता है कि ये होता है। खास बात है इस गाड़ी की कि एक ही इंसान, एक ही शख्स इसको पूरा तैयार करता है, शुरू से लेकर फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, कंप्लीट टॉप
मर्सिडीज बुके की ये स्पोर्ट्स मॉडल। और अब मर्सिडीज बेंज के ही बूके में हम आपको लेकर चलेंगे बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी की तरफ। खास बात उसकी मैं आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी आपके सामने है पावरफुल गाड़ी, इसको कहा जाएगा कि बीस्ट ऑन द रोड, मर्सिडीज मैबैक S600 गार्ड। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है ये गाड़ी कोई मामूली गाड़ी नहीं है, ये पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी है। मैन लव्स वुमेन सब जानते हैं, लेकिन एक बात और भी है इसके साथ कि मैन लव्स कार्स मोर देन वुमेन। और ऐसी ये कार हमारे साथ है, ये चमचमाती हुई स्पोर्टी येलो जो है ऑडी की R8 V10 प्लस, जो ऑडी स्टेबल की सबसे ज़्यादा पावरफुल सबसे फास्टेस्ट कार अब तक की जो प्रोड्यूस की है ऑडी ने, वो है ये गाड़ी। ट्रांसफार्मर जो हॉलीवुड फिल्म सीरीज थे आपने वो देखी होगी, लेकिन हम आपको रियल ट्रांसफार्मर्स दिखा रहे हैं। आपके सामने है रियल ट्रांसफार्मर्स। ट्रांसफार्मर को इन्होंने रियलिस्टिक तौर पर अपने पवेलियन में पेश कर दिया है। और ये जो ट्रांसफार्मर आपने गाड़ी देखी, ये है KUV100O। ये जो अरमान का था पिया हाजिर बहुत पॉपुलर हो और आज भी इतना पसंद किया जाता है, बहुत ज़्यादा फिज़ा के साथ जुड़ गया वो जी। हाँ, वो रहमान साहब ने एक्चुअली फ्री किया था मेरे लिए, और काफ़ी एक्चुअली वो गाना जो 3-4 मिनट का है फिल्म में, वो 14 मिनट का है। 1940 के दशक से शुरू करके 1980 तक मोहम्मद रफ़ी ने तकरीबन 26,000 गाने गाए। इनमें हिंदी गानों के अलावा गज़ल, भजन, देशभक्ति गीत, कव्वाली और दूसरी भाषाओं में गाए गीत भी शामिल हैं। फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ शख्सियत ही नहीं, अदब की दुनिया भी जाना माना नाम गुलजार साहब प्रति आज की हमारी ये खास पेशकश कलाकार में। कलाकार के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे किसी और ऐसी ही माया नाज शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए साधना प्राइम न्यूज़।